सेना ने पैदल सैनिकों के मामले में अपने पड़ोसी देश नेबर कंट्री चीन को पीछे छोड़ दिया है। जी दोस्तों, टॉप 10 कंट्री के हिसाब से सैनिकों में इंडिया फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, चाइना थर्ड नंबर पे चला गया है। सेकंड नंबर पे आप नाम जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे दोस्तों। आइए इस वीडियो में आपको बताता हूँ सेकंड नंबर की आर्मी पूरे वर्ल्ड में किस कंट्री की है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडिया नॉलेज शो में। दोस्तों दरअसल बात ऐसी है कि भारतीय सेना ने पैदल सैनिकों के मामले में पड़ोसी देश चीन को पीछे छोड़ दिया है। अब पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 भारतीय सेना हो गई है पैदल सेना के मामलों में। भारतीय सेना ने पैदल सैनिकों के मामले में अपने पड़ोसी देश चीन को पीछे छोड़ दिया है दोस्तों। यही नहीं दोस्तों, चीन अब पैदल सैनिकों की सूची में तीसरे नंबर पर चला गया है। फर्स्ट पे इंडिया है और तीसरे नंबर पर डायरेक्ट चाइना चला गया है। और दोस्तों आपको जान के काफ़ी ताज्जुब होगा कि इस लिस्ट में जो दूसरे नंबर पे है उस कंट्री का नाम क्या है पता है आपको? गेस कीजिए, नॉर्थ कोरिया। जी दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, नॉर्थ कोरिया है, जिसके पास तकरीबन तकरीबन 11 लाख एक्टिव पर्सनल आर्मी है, एक्टिव सैनिक है। वहीं चाइना जो अभी थर्ड नंबर पे चला गया है, उसके पास अब जो संख्या बची है सैनिकों की वो 9,80,000 बची है दोस्तों। ऐसा भी माना जा रहा है कि ये चीन की हिस्ट्री में अब तक का सबसे बड़ा सुधार है चाइनीज़ आर्मी के अंदर, क्योंकि चाइनीज़ आर्मी कभी वर्ल्ड की नंबर 1 आर्मी हुआ करती थी, लेकिन चीन ने इतनी भारी मात्रा में सैनिकों की कटौती की है। ये रिपोर्ट आप सभी को 2 साल पहले आ गई थी, 2 साल पहले बता दिया गया था कि चीन अपनी आर्मी के अंदर कटौती करेगा, और वो धीमे धीमे करते गया। अब वो तकरीबन 9,80,000 बचा है, तकरीबन 3 लाख सैनिकों की संख्या उसने कम की है। अब मैं आपको बताता हूँ उसने सैनिकों की संख्या कम करके वो जो सैनिक कम किए हैं वो कहाँ गए दोस्तों, आइए जानते हैं। दोस्तों चीन के राष्ट्रपति ने दोस्तों कहा था कि वर्ष 2020 तक ये सैन्य सुधार करेंगे और पूरे भी होंगे। चीन ने अब सेना के लिए थिएटर कमांड ढांचा लागू किया है। इसके तहत 3 लाख सैनिकों की कमी की गई है। चीन ने अपनी सेना को अब 5 थिएटर में बांट दिया है। दोस्तों यही नहीं, चीन की सेना में अब रॉकेट फोर्स, स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स, लॉजिस्टिक सपोर्ट फोर्स का भी गठन किया गया है। दोस्तों ये सब पूरा किया गया है कि 21st सेंचुरी का चाइना अपने आप को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनाना चाहता है, अपनी सेना को सबसे शक्तिशाली बनाना चाहता है। इसी के चलते ये सब उसने बदलाव किए हैं दोस्तों। और रिपोर्ट का माना जाए तो रिपोर्ट में भी ये बात सही हुई है कि चाइना ने अपने सैनिकों में जो सुधार कर रहे हैं वो काफ़ी बेहतर है और काफ़ी अच्छा सुधार कर रहा है। और अब रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन का जो फोकस है इस वक्त इस टाइम वो परमाणु हथियार पर है, मिसाइल पर है, नेवी पर है, एयरफोर्स पर है। अब जो आर्मी है उसके अंदर कटौती करके वो ये सब में अपने सैनिकों का बढ़ावा और पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। आपको पता ही होगा कि आजकल के जो लड़ाइयाँ होती है वो ज़्यादातर एयर में होती है, मिसाइल से होती है, ज़मीन पे बहुत कम लड़ाइयाँ देखने को मिलेगी फ्यूचर।
भा